कोई बात नहीं सुनो जी रुक जाते हैं Hours after Minister announced that the farmers would be repealed, the Congress came out and said, what about those farmers who lost their lives during the agitation, those farmers who were demonized all throughout and joined by IYC chief, those farmers who lost their lives. किसान प्रोटेस्ट श्रीनिवास आप देख रहे हैं कि आप कैंडल मार्च क्या कारण है क्या टूट गया चप्पल अच्छा क्या खुद माफी मांग रहे हैं देश के अर्जुन सबको पीछे रहे माफी मांग भैया राम मीडिया के पीछे जाओ माफी मांग मीडिया के पीछे जाओ मोनेटाइजेशन और पाइपलाइन उसमें माफी मांगना हर चीज में माफी मांगना चाहिए कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसको भी देश के जनता के सामने माफी मांगना चाहिए आप तो कानून वापस ले लिया आज सबसे बोल दिया बट जो 700 लोगों का जो जान गया है वो जान का जिम्मेवार कौन है वो भी बता देना चाहिए सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद आप खुद जो सदर शहीद भाई थे अपने कैटल और साथ में उस हमारे साथ रहना होगा इसी साथ होना चाहिए भैया पहले भी मोहित राहुल गांधी जी का आदेश अनुसार हर जगह के साथ हर लेवल में हम उनके साथ राहुल गांधी जी की किसी हालत में मार्क करके रखना ये कदम वापस लेना यहाँ से कौन ही है यार वहाँ से आप बता रहे हैं वो लोग भागे का नहीं है यहाँ ये सरकार के धीरे धीरे जय जवान जय जवान
जिंदाबाद 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 जय किसान जय किसान जय किसान जय जवान जय कर दो ना सब आज कैंडल मार्च निकाल रहे इसका क्या उद्देश्य भैया भैया जो 700 जो किसान जो शहीद हुए हैं उनको लेके आज कांग्रेस ने सारे उनको आत्मा को शांति मिलना है और ये सरकार भी उस परिवार को मुआवजा देना चाहिए उनके नाम पे बड़ी लेवल पे जो एक मेमोरियल होना चाहिए और उनका 56 इंच टूट गया है उसका 56 इंच आज पूरा देश में टूट गया देशवासी के सामने माफ़ी मांगा है हर चीज़ में उसको माफ़ी मांगना चाहिए जो नोट बैन हो और जो जो किस तरीके के जो कोरोना में इनने जो मिसमैनेजमेंट किया है उसको लेके जीएसटी को लेके जो शहीद हुआ है उसको लेके जो लखीमपुर खीरी में जो किसान के साथ हुआ उसको भी लेके हर लेवल पे उसको माफ़ी मांगनी देखिए जिस तरीके से देश में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है और हत्या हुई है मैं कहती हूँ इसके लिए सरासर देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है क्योंकि ये फैसला भी उन्हीं का था और एक बात समझनी चाहिए कि ये देश केवल और केवल उद्योगपतियों से नहीं किसानों से चलता है किसान जब अन्न पैदा करता है तो उद्योगपतियों से खाता है चलाता है इससे देश चलता है मैं समझती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को थोड़े से रहमदिल होना चाहिए था और ये फैसला अगर पहले ले लिया गया होता तो हमारे 600 किसान परिवार आज बर्बाद ना हुए होते उनके घर के चूल्हे ना बुझे होते मैं समझती हूँ कि ये फैसला लेने में प्रधानमंत्री जी ने देरी की है उन्हें पूरे देश से इस बात के लिए फिर से माफ़ी मांगनी चाहिए और हमारे किसानों के हित में कुछ काम करना चाहिए भैया अरे भाई साहब भाई जी जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय जवान सबूत मर रहे भारत माता के सबूत मर रहे।